उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी के बीच संगम नगरी प्रयागराज से एक राहत भरी खबर आई है। प्रयागराज की नैनी इंडस्ट्रियल एरिया में पंप, कंप्रेसर और हर तरह के सिलेंडर बनाने वाली कंपनी भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड में ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार के आदेश पर कंपनी 3 हफ्तों में करीब 2500 सिलेंडर तैयार करेगी। प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल ने इस कंपनी का निरीक्षण कर वहां के लोगों को जरूरी निर्देश दिया है। उन्होंने क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करने को कहा है। गौरतलब है कि BPCL को 2500 ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने का ऑर्डर महानिदेशक चिकित्सक ने दिया है। केंद्र सरकार से परमिशन मिलने के बाद से किस तरीके से काम स्टार्ट हो गया और कितनी जल्दी आप लोग पूरा टारगेट जो है वो पूरा कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ये BPCL का बंद पड़ा प्लान गैस सिलेंडर, हमारे यहाँ पहले तो 2 वर्कशॉप हैं, पंप और कंप्रेसर अलग, गैस सिलेंडर अलग। पंप कंप्रेसर का काम कंटिन्यूशन में चल रहा है, उसमें हम लोगों के पास ऑर्डर भी है, लेकिन ये प्लांट 7-8 साल से बंद था। तो इसको चलाने के लिए जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ने जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से हमें याद किया, वो सराहनीय कदम है। और इस सराहनीय कदम में हमें लगाया गया है कि 2500 सिलेंडर आपको देना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2500 सिलेंडर जो उन्होंने टारगेट दिया है, उस टारगेट के पहले, अभी जैसे हमारे साहब ने बताया मई, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मई के पहले 15-20 मई तक इसको करके उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ BPCL में 140 परमानेंट कर्मचारी हैं। उन परमानेंट कर्मचारियों के साथ आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी भी खड़े हो गए और उनके साथ मिलजुल करके दोनों लोग एक तरह की एक सहभागिता जताते हुए और कदम से कदम मिला के चलने का जो वादा किया है, दृढ़ संकल्प लिया है, हमारे वर्तमान कर्मचारी 140 और जो 20-25 हमारे कर्मचारी आए, कुछ संविदा के कर्मचारी भी हमारे यहाँ कार्यरत हैं, उनका भी सहयोग बराबर मिलता आ रहा है। तो यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और हम लोगों के पास वो जज्बा है, वो मेहनत है कि कभी हम लोग 5000 सिलेंडर बनाया करते हैं प्रतिदिन। 2500 सिलेंडर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो एक लाइन और कहना चाहूँगा कि रहा जज्बा तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और यही जमी से इसी जमी से जल भी निकलेगा। मुश्किलों से भाग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किलों के साथ कदम से कदम मिला के अगर हम लोग चले तो निश्चित रूप से अपने कदम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारे जज्बा को देखते हुए, हमारे मेहनत को देखते हुए जो सरकार ने निर्णय लिया है, जो कदम उठाया है, हम सरकार के साथ हैं। सरकार के हर मुसीबत पर खड़े होने का वादा करते हैं, सरकार के हर आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार हमारे लिए भी थोड़ा सा ध्यान देती रहे, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। हमारा परिचय RLD दुबे, पूर्व महामंत्री BPCL एम्प्लॉई दुबे, जिसके लिए 3,68,75,000 रुपए स्वीकृत भी हो गए हैं। वहीं इस कंपनी में सिलेंडर बनाने के लिए एक बार फिर से रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। देखिए, हमारा टारगेट है, हमको 21 दिन टाइम मिला है, तो जो टारगेट है कि मई में हम इसको पूरा कर ले जाएं, तो होपफुली हम मई में पूरा कर ले जाएंगे निश्चित समय से, ठीक है। चूँकि प्लांट बंद है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग भी यहाँ से रिटायर कर गए हैं, लेकिन हम उन समस्याओं से निपट लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हमारे संपर्क में हैं। ऐसी स्थिति में हमें जो महसूस हो रहा है कि हम समय से इसको पूरा कर लेंगे। कुछ मशीनें भी आपकी चालू नहीं हो पाई हैं, जैसे देखिए ये टोटल प्लांट बंद था, पिछले एक हफ्ते में ज़रूरत की सारी मशीनों पर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से मशीन लाइन हमारी लगभग रेडी है, शाम तक हो सकता है 100% रेडी हो जाए। फर्नेस पे लोग लगे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जैसे ऑपरेट होता है वो सारे ऑपरेटिव हैं, और चालू हम तभी करेंगे जब उसमें हम कच्चा माल डालें, ठीक है। तो अभी इस सिस्टम को सारा कुछ ऑपरेटिव लाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगेगा, और 2-3 दिन में हमारे काम शुरू आपको दिखाई देंगे। अपना पद और नाम? अच्छा, अरे आप लोग बताओ। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि हमें इस आपदा में सेवा का मौका मिला है,
हम अपनी पूरी जी जान लगाकर इस काम को पूरा करेंगे। कोरोना आपदा काल के दौरान भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड से बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। यहां गोदाम में 500 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं। इनकी टेस्टिंग, रंगाई और फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है। अब कंपनी के संचालन की अनुमति मिलने के बाद इसकी सप्लाई होने लगेगी। साथ ही अगले एक सप्ताह में करीब 5000 सिलेंडर बनाए जाने लगे हैं। इससे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। अब एक बार फिर से BPCL में मशीनें जो है वो फिर से चालू हो गई है। आप लोग फिर से इस महामारी के दौर पे कंपनी जो है सहयोग कर रही है, इसमें किस तरीके से एम्प्लॉयों का काम आप लोग ले रहे हैं? क्या नए एम्प्लॉय इसमें आप लोग जोड़ रहे हैं? किस तरीके से पूरा काम हो रहा है? हमारे यहाँ पहली बात तो ये है कि कंपनी हमारा पंप और कंप्रेसर का विभाग बराबर निरंतर चल रहा है। केवल गैस सिलेंडर विभाग हमारा लाइसेंस न रिन्यूअल कराने के कारण बंद हो गया था, लेकिन आज इस आपदा में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पूरी BPCL परिवार हमारा एकजुट होकर खड़ा है। चाहे वो इस समय के 140 परमानेंट एम्प्लॉयज हों, चाहे कुछ हमारे पूर्व के कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो भी हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि जो हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करके और इस दैविक महामारी में हम BPCL की तरफ से पूरा सहयोग उनको देने के लिए तैयार हैं। जैसे आप लोग बाहरी लोगों भी बुला रहे हैं, कुछ नए एम्प्लॉय रख रहे हैं, कैसे? हमारे यहाँ नए एम्प्लॉय हम कोई नहीं रख रहे हैं। हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो कि इस गैस सिलेंडर की जान हुआ करते थे और गैस सिलेंडर उन्हीं के बल पर चलता था, उन कर्मचारियों को हम दोबारा बुलाए हैं और वो मानवता के आधार पर वो हमारे आवाज़ पे एकजुट होकर के निरंतर यहाँ पे आ रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। श्रीराम यादव, प्रेसिडेंट इम्प्लाइज यूनियन BPCL। गोदाम में मिले 500 सिलेंडर की सफाई, रंगाई, पुताई, टेस्टिंग और फिनिशिंग की जा रही है। तीन तरह के सिलेंडर मिले हैं। ये 88, 75 और 22 किलो वजनी है। टेस्ट कर इन्हें फाइनल टच दिया जा रहा है। नए सिलेंडरों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। साल 2012 तक कंपनी में ऑक्सीजन सिलेंडर बनाए जाते थे। साथ ही इकाई खुलने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रयागराज स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड काफी समय से बंद पड़ी थी। सरकार की पहल के बाद इस सप्ताह से ये इकाई का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि कोरोना संकट काल के बाद भी BPCL में सिलेंडर का निर्माण आगे भी होता रहेगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। साल 2013 के पहले इस कंपनी में हर तरह के सिलेंडर का निर्माण होता था और यहां बने सिलेंडर एक्सपोर्ट भी किए जाते रहे हैं। कंपनी को सिलेंडर निर्माण का ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों में ये भी उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार से इस कंपनी को भी ऑक्सीजन मिल सकती है और सरकार प्लांट बंद करने का अपना आदेश वापस ले सकती है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।